हैंडीकैप डज नॉट मीन फिजिकली हैंडीकैप, इट मीन्स मेंटली हैंडीकैप। अगर हौसले बुलंद हो तो दिव्यांगता को भी हारना ही पड़ता है। सूरज तिवारी ऑफ उत्तर प्रदेश, हु इज ऑफ 26 ईयर, हैव प्रूव्ड इट। ही हैव क्वालिफाइड CSE 2022 विथ 917 रैंक इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट। सूरज मात्र 20 साल के थे जब एक हादसे में उनके दोनों पैर, एक हाथ और दूसरे हाथ की दो उंगलियां भी कट गईं। उसके बाद सूरज ने JNU से BA किया एंड ही क्वालिफाइड JRF ऑल्सो। ही बिलीव कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे चैलेंजेस नहीं हैं। लेट्स सी हिज रिएक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग द मेंस एग्जाम। नहीं, मैंने टाइम पे अपना कंप्लीट किया। आपका ये कौन सा मेंस क्लियर कर रहा है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मेंस का। सर, आपका पार्ट ए पार्ट बी में आपने दोनों में से कौन कौन से एसेस किए? मैंने पहले पार्ट का चौथा क्वेश्चन किया और किसी अकेडमी से आपने? नहीं नहीं, मेरा सेल्फ स्टडी है मेरा। सर थैंक यू, बिल्कुल मैम। सर कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं सूरज के साथ एज ए स्क्राइब आया था, मेंस का पेपर था, साइड हो जाना। आपका ऐसे का पेपर था, ऐसे में तो वैसे दो ही क्वेश्चंस करने होते हैं, तो सफिशियंट टाइम था। और इनको जो PWD कैंडिडेट हैं, जो जिनके साथ स्क्राइब्स आते हैं, उनको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है। जनरली पेपर 3 घंटे का होता है, हमारे पास 4 घंटे का समय था। और दोनों पेपर में ऑलमोस्ट दो, जैसे पहले होता था कि एक में फैक्चुअल और एक में एब्स्ट्रैक्ट टाइप जो फिलोसफिकल एसेज आते थे, तो आज दोनों में कॉमन थे। फिलोसफिकल एसेज कॉमन इन बोथ द सेक्शंस, सो हम लोग कम्फर्टेबल थे। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में से ही एक एक फिलोसफिकल टॉपिक चुन करके उसमें हमने ऐसे लिखा और 3 घंटे में हम लोग कम्प्लीट कर पाए आराम से। तो सर ने मतलब सेल्फ में की थी? हाँ, तैयारी। ये JNU के स्टूडेंट हैं, ये अपना वहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं। इनका पहला अटेम्प्ट है मेंस का, प्रीलिम्स इनका सेकेंड था।